lovely darling, Aarti Agarwal, who's not with us anymore. She has worked in so many films with so many big stars and such lovely films. And that I got an opportunity to work with her. She's a fantastic human being, very emotional. She was all heart. In fact, all heart and no brain. Very, very emotional person. Whatever she did it with a passion. And maybe God, you know, likes people like that to be close to him. So, this is an effort we made with fantastic, talented director, Mr. Bharat. So please have a look at this teaser, this trailer. And I hope for Aarti Agarwal's sake, this film is received well by the audience because this pretty much is our last film. I thank Mr. Bharat Palli sir and my producer Rehman sir. It's a first project and I'm working with them. I work hard for this project. And I'm disappointed for, like, Aarti ma'am is not here. We have really waited for this day, this evening. So, I only say ki, let's pray for her soul. That wherever she is, she will be happy and we are also happy. Of course, because she has also done very hard for this project. And thank you everyone. Thank you. ये श्रद्धांजलि है आरती जी को. बहुत दुख है, इस बात का खेद है कि आज हमारे बीच नहीं है. अक्सर इसे खुशी का मौका समझा जाता है जब भी हम किसी फिल्म के प्रेस मीट पे मिलते हैं या मुहूर्त पे मिलते हैं, लेकिन आज इसकी शुरुआत में एक ऐसे नोट पे करनी पड़ी जहाँ पे जिसे ऐसा कहा जाए कि खेद का माहौल. तो आज हम एक इंसान के तौर पर उनके लिए प्रे कर सकते हैं. मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि सब अपने दिल से जो भी दुआ निकलती है, जो भी प्रेयर्स निकलती हैं, वो उन तक पहुँचे और वो जहाँ भी हैं उनको शांति मिले. देखिए, डेफिनेटली मिस कर रहा हूँ. मिस इन द सेंस कि मतलब हम कुलीग्स ज़्यादा थे, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो ड्यूरिंग शूटिंग. तो मिस करने से ज़्यादा बुरा लगता है जब आदमी चला जाता है, ऐसे इंसान चला जाता है. और उनकी याद में इस फिल्म को रिलीज़ करना, मेरे हिसाब से वो अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो इस फिल्म में काफ़ी, इस फिल्म से काफ़ी अटैच थी और वो चाहती थी कि ये फिल्म रिलीज़ हो. और काफ़ी अरसे से फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही थी, तब उनकी जाने के बाद रिलीज़ हो रही है. देर आए दुरुस्त आए, ठीक है. घटना तो ये कि मुझे इसमें डांस वांस बहुत करना था, तो कुछ गानों में मैंने डांस किया है, तो मुझे डांसिंग में उतना अब उतना कंफर्ट मेरे को नहीं लगता है. थोड़ा अजीब लगता है डांस करते हुए. तो मेरा मजाक बहुत उड़ाती थी बिकॉज़ आई हैड टू लेफ्ट फीट. और हमने कहीं कहीं जंगलों में जाके बहुत शूटिंग की, बहुत रिगरस शूटिंग थी, तो काफ़ी वक्त बिताया हमने एक दूसरे के साथ. और बड़ा अच्छा उन्होंने और उनके फादर ने मुझे अपने घर में भी वेलकम दिया जब मैं हैदराबाद गया, क्योंकि मैं तो बॉम्बे से था. तो एक लाइक अ फैमिली द ट्रीटेड मी. फिल्म नक्सलवाद के ऊपर है और नक्सलवाद कैसे पनपता है और क्यों पनपता है और उसके पीछे कारण क्या है और गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करती है और पब्लिक पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है और जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो इस पूरे इस वेव में कैसे घुस जाते हैं, वो तो उनके बारे में ये फिल्म. मेरा किरदार एक आम आदमी का है जो नक्सलवाद में घुस जाता है, खिंचा चला जाता है उसके अंदर. और फिर उसके बाद उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं नक्सलवाद को लेके, नक्सलाइट्स को लेके, और कैसे फिर उसका रेफॉर्मेशन होता है, उसमें बदलाव आता है और कैसे उसकी वापसी होती है. थोड़ी सी ट्रैजिक एंडिंग है इस फिल्म की, लेकिन अच्छी है.